ये स्टॉक पिछले एक साल में करीब 150% रिटर्न्स दे चुकी है। मैं बात कर रही हूँ वन ऑफ इंडियाज लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर्स की, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। लेकिन ये ऑल टाइम हाई कैसे अचीव किया? तीन पोटेंशियल रीजंस। पहला, 23 फरवरी को कंपनी ने एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उत्तराखंड में लॉन्च किया था। दूसरा, उनकी सब्सिडरी पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स ने कॉम्पैल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया। और तीसरा, सितंबर 2023 में हुई एक शाओमी के साथ डील। इनफैक्ट उसके बाद Q3 FY24 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 86% का प्रॉफिट बुक हुआ, रेवेन्यू ग्रोथ दुगना हुआ। There are interventions to give policy support and that has helped companies like Dixon. Lekin after Goldman Sachs report came in, the company has actually downgraded its stock to sell from a neutral rating. They say that their ability to win IT hardware contracts is not as good. Aur experts ka manna hai ki mobile sector ki robust growth margins ko kam kar sakti hai. To kya Dixon Tech ban payega India ka Foxconn? Comments mein bataye.